वैसे तो पर्यटन के क्षेत्र में जैसे ही हम लोग नालंदा का नाम लेते हैं, तो नालंदा ओल्ड यूनिवर्सिटी, जो आजकल नालंदा खंडर के नाम से जाना जाता है, उसका जो है सभी को ध्यान में आना ज़रूर होता है, क्योंकि ये जो था एक इतिहास की कहानी को गढ़ा गया है यहाँ पे, इसीलिए इसका नाम ज़रूर सबको याद होता है। क्या आपको उस यूनिवर्सिटी के एक भी विद्यार्थी या शिक्षक के बारे में पता है? तो आज हम लोग बात करेंगे नालंदा में ही बसे एक मेमोरियल हॉल का, जो वहाँ के विद्यार्थी और साथ ही साथ वहाँ के शिक्षक के रूप में काम कर चुके हैं, उनके नाम पे ये मेमोरियल हॉल बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जेन जांग मेमोरियल हॉल, जिसे खास कर अगर नालंदा और बिहार शरीफ के लोगों की बात करें तो इसको चाइनीज़ मंदिर के नाम से ज़्यादा पुकारना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन है वो डिज़ाइन देख करके उन्हें लगता है कि ये चाइना के द्वारा बनाया गया, तो जनरली इस वजह से यहाँ लोग इसे चाइनीज़ मंदिर कहते हैं। हालांकि अगर हम बात करें इस जेन जांग मेमोरियल हॉल की, तो यहाँ जैसे ही आप आते हैं अंदर में देखेंगे तो बुद्ध भगवान से संबंधित आपको बहुत सारी प्रतिमाएं, उनके पद चिन्ह यानी पैरों के निशान के वो जो शिला निकाला गया था खनन के बाद, वो लगा हुआ आपको दिख जाएगा। और चारों तरफ अगर दीवार पे यहाँ आप देखेंगे तो बहुत सारी आपको पेंटिंग भी दिखेगी। और यहाँ मुख्य रूप से ये जो आपका मेमोरियल हॉल है वो बुद्ध भगवान के लिए ही बनाया गया है। इस खासकर इसलिए इनका यहाँ पे प्रतिमा लगाया गया, क्योंकि ये जो जैन जांग थे वो बुद्ध भगवान से काफ़ी प्रेरित थे। और बाकी यहाँ के दीवालों पे देखेंगे ना तो उनके जीवन के बारे में यहाँ व्याख्या किया गया है। 7वीं शताब्दी में ये चीन से आए थे, यहाँ स्टडी करने के लिए आए थे नालंदा ओल्ड यूनिवर्सिटी में, और फिर ये वापस चले गए थे स्टडी के बाद, और फिर इन्होंने काफ़ी सारा वहाँ बुक लिखा नालंदा ओल्ड यूनिवर्सिटी के बारे में, और फिर वापस यहाँ एक शिक्षक के रूप में कार्यरत हुए थे दोस्तों। और इनका जो जीवन वृत्तांत है ये आपको जब यहाँ मेमोरियल हॉल घूमने आएंगे ना तो इस मेमोरियल हॉल में आपको यहाँ दिख जाएगा चारों तरफ दीवार में। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ तक अगर आपको नहीं देखा हुआ है, अगर खासकर ज़्यादातर दोस्तों को लोगों को देखा हुआ होगा, जिनको नहीं देखा हुआ है उनके लिए मैं बता दूँ, आप जब भी नालंदा खंडर घूमने जाए तो वहाँ से आप टोटो रिक्शा रिजर्व करके आप यहाँ आ सकते हैं। वहाँ से मात्र 1.5 या 2 किलोमीटर की दूरी है, 100 रुपया बहुत चार्ज होगा टोटो का, और आप यहाँ आ करके यहाँ बहुत सारी जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। काफ़ी शानदार रहा उनका यात्रा भी, और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं कहानी। लोग यहाँ आते हैं नालंदा और बिहार शरीफ के लोग, फ़ोटो खिंचाते चले जाते हैं, उनको जानकारियों के अभाव में वो उतना जानकारी नहीं रख पाते हैं। और आजकल अगर देखें दोस्तों, अगर आप बहुत पहले आए हैं अगर तो फिर से एक बार आपको जाना चाहिए, खासकर इसलिए क्योंकि अगर इसका कैंपस देखें तो और भी खूबसूरत बना दिया गया है। जहाँ बीच में इनकी एक प्रतिमा है वहीं चारों तरफ और भी बहुत सारे जो हैं अलग अलग बिल्डिंग फिर से निर्माण हो रहे हैं, एक दो और बन चुके हैं, एक दो और बन भी रहे हैं, बस इंतज़ार है कब ये फिर से चालू हो जाए। वैसे तो सिर्फ और सिर्फ मुख्य रूप से एक ही था पहले जो सामने से दिखाई देता था, अब 3-4 और बन गए हैं, तो काफ़ी यहाँ कार्य भी हुआ है, तो देखने के लिए घूमने के लिए भी आ सकते हैं और जानकारी के लिए भी आप यहाँ आएँ। क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये चाइनीज़ मंदिर है और ये चाइना का बनाया हुआ, कुछ ऐसा नहीं है, इनका जो है जुड़ाव है हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी से, नालंदा खंडर से, तो इसको प्रकाशित करना भी हम लोगों का काम है दोस्तों, तो इसके बारे में जानकारियाँ ज़रूर प्राप्त करें। और यहाँ का टिकट दर अगर बात करें तो 5 या 10 रुपया है दोस्तों, तो काफ़ी कोई महंगा नहीं है, आप आएँ ज़रूर आएँ एक बार। थोड़ा सा साइड में पड़ता है लेकिन आपको नालंदा खंडर के पास से आराम से वहाँ से गाड़ी मिल जाएगी, और अपने गाड़ी से हैं तो वहाँ से आप डायरेक्शन पता करके बाई गूगल या फिर लोगों से पूछ करके आप यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ जब भी आप आएँ तो एक और आपको यहाँ से जुड़ी बात बताता हूँ, जहाँ पर आप इसका टिकट लेंगे ना वहाँ पे आपको दोस्तों बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई बनती हुई दिखाई देगी, जहाँ पे बहुत सारी महिलाएं जो है इस तरह की मूर्तियाँ आपको बनाती रहती हैं। और ये काफ़ी सस्ता होता है, जैसा कि आप जो देख रहे हैं ना, ये 15 से 20 रुपये की मूर्ति है मात्र। आपको देख करके लग रहा होगा कि नहीं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन जब भी आप जाएँ तो अंदर घूम लीजिएगा, यही मूर्ति जो है बाहर बाद में राजगीर में ले जा करके या फिर दूसरे जगह ले जा करके 150, 200, 250 तक बिकती है छोटी छोटी मूर्तियाँ। और यहाँ पे हाथों से लोग बनाते हैं, और यहाँ पे भी आप जो है खुदरा के रूप में, मतलब एक दो मूर्ति भी आप लेना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं, यहाँ से भी आप मूर्ति ले सकते हैं। तो जहाँ पे आप टिकट ख़रीदेंगे ना वहाँ पे ही आप पूछेंगे कि मूर्ति कहाँ बनती है, मूर्ति कहाँ मिलती है, तो वो भी बता देंगे, और वैसे भी वहाँ पर आपको डायरेक्शन दिया हुआ रहेगा जहाँ से आप पता करके मूर्ति खरीद सकते हैं। काफ़ी शानदार यहाँ का है। तो वीडियो कैसा लगा हमारा ये ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि आगे भी